हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल सो वेरी फाइन स्टूडेंट्स. हम रीड कर रहे हैं अपना चैप्टर 7 सऊदी अरबिया द होल डेजर्ट. स्टूडेंट्स, हमारी अर्थ पर अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है. उनमें से डेजर्ट एक टाइप का लैंडफॉर्म है, और जो हमारा चैप्टर है सऊदी अरबिया, उसमें भी क्या है, ये डेजर्ट है, ठीक है. और डेजर्ट होने के नाते वहां पर अलग अलग टर्म क्या यूज होता है, क्या मसूज होते हैं. अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे पहले कि इसके नेबर लोकेशन क्या है, ठीक है, और इसकी नेबर्स कंट्री के बारे में रीड करेंगे और इसके क्लाइमेट के बारे में. स्टूडेंट, जो भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में क्या, वहाँ की लाइफ ऑफ पीपल के बारे में पता चलता, और लोकेशन के बारे में, वेजिटेशन के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं. जब हम होता है तो हम चीजों को चैप्टर के बारे में रीड करते हैं. और बच्चों, ये जो हमारी कंट्री है उनका सऊदी अरबी है, ये किस लिए फेमस है? ऑयल के लिए, कि वहाँ पर डेजर्ट है और वहाँ पर जो ऑयल की है बहुत सारी रिफाइनरीज वगैरह, और वहाँ से डेजर्ट के वहाँ से तो वहाँ ऑयल को निकाला जाता है, ठीक है बच्चों. तो आज हम इसी का सबसे पहले मैंने बता दिया लोकेशन, सिलेबस, कंट्री, क्लाइमेट, ये चैप्टर रीड करेंगे. और आपको बिल्कुल ध्यान से समझ कर तब ये चैप्टर रीड करना है. और आपने सबसे पहले मैप तो आप फिल कर चुके ही होंगे, ठीक है. इसमें कॉन्टिनेंट फिल किया था, और जो वर्ल्ड के जो 10 डेजर्ट है वो आपने फिल कर चुके हैं. तो आज हम करेंगे इस चैप्टर में अपना ये रीड करेंगे. स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर है सऊदी अरबिया हॉट डेजर्ट. मैंने बता चुकी हूँ, ये जो हमने मैप फिल किए थे, मैप के अंदर फिल किए थे जो डेजर्ट है वर्ल्ड के फेमस डेजर्ट, इम्पोर्टेंट है, वो डेजर्ट हमने फिल किए थे. लोकेशंस है, लोकेशंस हम यहाँ तक कर चुके हैं. मैं आपको फिर बता देती हूँ, ये सऊदी अरबिया है. इसके ईस्ट वेस्ट में है रेड सी, यहाँ पर है ईस्ट में पर्शियन गोल्फ, यहाँ पर हेयर इज गोल्फ ऑफ अदन एंड अरेबियन सी 1, 2, 3, 4 इसमें मतलब इसको फोर साइड है, वाटर बॉडीज है, ओके. अब हम कर लेते हैं इसी में नेक्स्ट मैप में. पहले आप मैप में फिल कर, फिर मैं आपको रीड कराऊंगी. ये इसके इराक और क्या कुवैत नेबर कंट्री है ये इसके, इराक, कुवैत, जॉर्डन, ये नॉर्थ में है, तो ये नॉर्थ के नॉर्थ में, इसमें यमन इसके साउथ में है, ये इसकी नेबर कंट्री है यमन, कुवैत, इराक, जॉर्डन, ठीक है. इसके साइड में ये रेड सी है, रेड सी से नेक्स्ट कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो जाता है अफ्रीका इधर, ठीक है. जब नेबर्स कंट्री पढ़ लेते हैं तो हम उसकी लोकेशन से, और बीच में ये सारा क्या है, सऊदी अरबिया. आज हम करते हैं यहां से स्टार्ट. पासिस थ्रू द मिडल ऑफ सऊदी अरबिया, इट लाइज द इन द अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला में है ये, विद पर्शियन गोल्फ. अभी मैम ने आपको बताया था कि पर्शियन गोल्फ में है ये, के साइड में इसके, इन द ईस्ट में क्या है, पर्शियन गोल्फ एंड रेड सी इन द वेस्ट, वेस्ट में रेड सी है, पर्शियन गोल्फ कहाँ है, ईस्ट में, ठीक है. ये डायरेक्शन वाइज बता दिया, ईस्ट वेस्ट में क्या है, इनके साउथ में क्या है, नेबर्स कंट्री, नेबर्स इनके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं. सऊदी अरबिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज जिसके साथ हम शेयर करते हैं उसको नेबर्स बोलते हैं. तो लैंड बाउंड्रीज विद द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, जो अरेबियन पेनिनसुला है तो उस सऊदी अरबिया के लैंड बाउंड्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं, वो है नॉर्थ में जॉर्डन एंड इराक, नॉर्थ में अभी मैंने बताया था जॉर्डन एंड इराक, ईस्ट में कुवैत, कतर, बहरीन, ईस्ट में कुवैत, कतर,
एंड बहरीन, साउथ ईस्ट में ओमान, साउथ में है यमन। आपको साथ साथ ये नोटबुक में राइट करना है। लुक एट द अबाउ मैप ऑफ द सी वेयर दीज कंट्रीज आर लोकेटेड। अभी मैप में आपने फिल करना है, ये मैंने आपको बताया था। क्लाइमेट, सऊदी अरबिया हैज एन एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद लिटल और नो रेनफॉल। सऊदी अरबिया में एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट है वहां का? हॉट एंड ड्राई, सूखा और गर्म। आपको पता है डेजर्ट तो हॉट एंड ड्राई ही होता है, देखा है ना, बहुत वहां पर लिटल रेनफॉल होती है, अदरवाइज नो रेनफॉल, या तो बहुत कम होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती। द कोस्टल एरिया हावर रिमेन ह्यूमिड, ह्यूमिड यानी जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्री वाला एरिया होता है किनारे वाला, तो वहां पर क्या ह्यूमिड ह्यूमिड होता है बच्चा, उमस वाला होता है ना, उसको ह्यूमिड बोलते हैं, जहां पर चिपचिपी गर्मी होती है ह्यूमिड बोलते हैं। द टेम्परेचर राइज शार्पली ड्यूरिंग द डे, टेम्परेचर्स राइज शार्पली ड्यूरिंग द डे, यानी कि जब सनराइज होता है तो जैसे ही सनराइज होता है ना, तो जैसे ही सन आगे बढ़ता है, ज्यादा निकलता है, तो उससे क्या होता है, उसे जो टेम्परेचर वो हाई होने लग जाता है, यानी कि गर्मी बढ़ जाती है। बिकॉज द सैंड गेट्स हीट ड्यू टू हॉट सन, जब सन हॉट होता है तो क्या है, उसे जो सैंड है यानी कि रेत, वो भी गर्म हो जाता है, और सैंड गर्म होगा तो वहां पर टेम्परेचर भी राइज होगा, शार्पली राइज होगा। ओके स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग रात के समय, द सैंड कूल डाउन वेरी फास्ट, या जो सैंड होते हैं, आपको पता है सैंड बहुत जल्दी हॉट होता है, बहुत जल्दी ही कूल डाउन होता है, यानी कि ठंडा हो जाता है, तो मॉर्निंग में तो और आफ्टरनून तक तो बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है क्या सैंड, और ऐसे ही जब सन सेट होता है तो धीरे धीरे वो सैंड कूल हो जाता है। देयर इज ए शार्प ड्रॉप इन द नाइट टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर है आफ्टर सनसेट वो क्या हो जाता है, शार्प ड्रॉप, मतलब बहुत कम हो जाता है आफ्टरनून में, तो मॉर्निंग में से लेके आफ्टरनून तक तो क्या होता है, बहुत हाई होता है, और उसके बाद जब सनसेट होता है तो क्या होता है, शार्प ड्रॉप इन द नाइट टेम्परेचर, और रात का जो टेम्परेचर वो बहुत कम हो जाता है। मेकिंग द नाइट कूल, और इस तरह जो मेकिंग द नाइट कूल, और नाइट है वो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती, इवन इन समर, गर्मियों में भी। ओके, डेजर्ट में जो समर में जो नाइटें होती है वो कूल हो जाती है। द हिल स्टेशन लाइक अल ताइफ एंड आभा रिमेन कूल इवन इन समर, जो ये हिल स्टेशन है टू अल ताइफ एंड आभा, ये दोनों ही हिल स्टेशन समर में भी कूल रहते हैं, ठीक है। इन विंटर, ये कहते समर का, इन विंटर द डे आर वार्म, विंटर वही जो विंटर में भी डे आर वार्म, गर्म होता है, एंड नाइट आर वेरी कोल्ड, जब समर में ही नाइट कूल हो जाती है तो विंटर में तो क्या होगा, विंटर में तो नाइट और ज्यादा कोल्ड होगी, बट विंटर के जो डे होते हैं दिन में वो बहुत गर्म होता है। सैंड स्ट्रोम, सैंड यानी रेत, स्ट्रोम होता है तूफान, लाइक दिस, सैंड स्ट्रोम, रेतीला तूफान, आर ए कॉमन फीचर इन द डेजर्ट, ये कॉमन ही होता है डेजर्ट में, बहुत जल्दी जल्दी आता है कि थोड़ी सी हवा चली और रेत उड़ता है, और ऐसे ही बिल्कुल ये होती है, इसको बोलते हैं रेतीला तूफान। दे अपियर ऑल ऑफ द सडन, और ये एकदम होता है, ठीक है, सडन होता है एकदम। मेक द स्काई हैजी स्ट्रोंग विंड कैरी द सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर्मिंग माउथ ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड डून। इस लाइन को मैं दोबारा फिर पढ़ रही हूं, दे अपियर
दे अपीयर ऑल ऑफ सडन, क्या जो सैंड स्टॉर्म होते हैं वो एकदम अपीयर होते हैं, एंड मेक द स्काई हैजी, जैसे आकाश में कुछ भी दिखाई ना दे, स्ट्रोंग विंड तेज हवा, कैरी द सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर्मिंग माउंट ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड डून्स। ठीक है, तो जो रेत तेज हवा चलती है तो जो सैंड है वो एक स्थान से वन प्लेस टू अनदर प्लेस चला जाता है, फॉर्म किसके उसमें फॉर्मिंग मड ऑफ सैंड, और रेत के टीले से बन जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सैंड ड्यून। द शेप ऑफ द सैंड ड्यून कीप चेंजिंग विद द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। जो सैंड ड्यून्स होते हैं बच्चों, ये वाले, जहाँ की डायरेक्शन में एयर चलेगी, विंड होगी, हवा चलेगी, वो उस तरफ उठकर दूसरी जगह चले जाएंगे। जैसे ईस्ट की हवा चली है, इससे हवा चली वेस्ट की तरफ, तो ये रेत जो सैंडे उठकर इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये ऐसे पहाड़ बन जाएगा, इसका रेत के टीले बन जाएंगे। इनफैक्ट सम टाइम द सैंड स्टॉर्म शिफ्ट द होल सैंड डून फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। समटाइम, कई बार तो ऐसा होता है कि सैंड डून शिफ्ट होल सैंड, पूरा का पूरा सैंड डून फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो रेत का जो एक ये है, ये पूरा का पूरा हवा हवा के साथ, विंड के साथ वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर चला जाता है। वेजिटेशंस, हम इसको नेक्स्ट रीड करेंगे। वेजिटेशंस, ये यहाँ की वेजिटेशंस हैं। वाइल्ड लाइफ कल रीड करेंगे और लाइफ ऑफ पीपल। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना चैप्टर सऊदी अरबिया, इसकी लोकेशंस के बारे में रीड किया है। इसके नेबर्स कंट्री है, आपको साथ साथ ये लर्न भी करना है, और इसके क्या हमने किया था, इसका क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट। उम्मीद है कि आज आपको इतना ही समझ में आ गया होगा। तो आगे के लिए हम कल करके, आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।